तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करेंगे कंफर्ट इंटेक की। दोस्तों, इस स्टॉक में दिक्कतें अभी कम नहीं हो रही हैं और ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली गिरता ही दिखाई दे रहा है। और आज भी इस स्टॉक में 2.92% की गिरावट ही देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। आज इसकी जो मार्केट प्राइस है 4.32 रिपोर्ट की गई है एट 11:49 AM। तो कंटिन्यूसली इस स्टॉक में गिरावट ही बनी हुई है। तो आइए अब इसका जो सपोर्ट लेवल है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम इसके फंडामेंटल पहले आपको बता चुके हैं। अभी इसके जो फंडामेंटल्स हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं रही है और कंपनी जो है वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रही है फ्रॉम द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो इसके कारण क्या हो गया, इस स्टॉक में जो है कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है। तो आइए इसके टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ पे जाके इसकी सपोर्ट बन सकती है। क्योंकि दोस्तों यदि हम इसके फाइनेंशियल चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हो इसके प्रॉफिट का डाटा नेगेटिव हो चुका है। मार्च 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो -1.13 करोड़ रिपोर्ट किया गया है और लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली गिरावट ही बनी हुई है। आप देख सकते हो ये जो चार्ट पैटर्न है ये इसके प्रॉफिट का चार्ट है। तो पहले जैसे मार्च 2022 से लेके सितंबर 2022 तक इसका प्रॉफिट बढ़ रहा था। क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस हो उसका जो मेन टारगेट है वो प्रॉफिट कमाना ही है। तो पहले जैसे इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा था तो इसके स्टॉक की प्राइस भी बहुत ही तेज़ी से रैली कर रही थी। लेकिन जैसे ही इसका जो प्रॉफिट है नीचे आना शुरू हो गया तो इस स्टॉक की प्राइस भी नीचे शुरू हो गई। तो आजकल इस स्टॉक में गिरावट चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आइए इसके टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, इसका सपोर्ट लेवल ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, इसका जो लास्ट 1 ईयर का चार्ट पैटर्न है वो आपके सामने अवेलेबल है। तो यदि इसका मोटा मोटा चार्ट पैटर्न देखें तो पहले इस स्टॉक में एक बहुत ही ब्यूलिश पैटर्न देखने को मिल रहा था और इसकी एक ट्रेंड लाइन बनती दिखाई दे रही थी। तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में पहले बहुत ही शानदार रैली हो गई थी लेकिन अपना हाईएस्ट लेवल टच करने के बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। तो इसका जो नीरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो भी यहाँ पे ही है। तो मतलब आने वाले टाइम में अभी और भी इस स्टॉक में गिरावट रह सकती है क्योंकि अभी और भी इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि रैली करने के बाद ये स्टॉक अब प्रॉफिट बुकिंग के मोड में दिख रहा है। यदि इसका नियर टर्म का सपोर्ट लेवल देखें तो 3.28 के अराउंड इसका पहला सपोर्ट जोन आपको बनता दिखाई दे सकता है। तो यदि ये स्टॉक 3.28 के लेवल को डिफेंड कर लेता है तो फिर एक रिवर्सल हो सकती है, शॉर्ट रिवर्सल देखने को आपको मिल सकती है। क्योंकि पहले इसका जो कंसोलिडेशन रेंज था वो 3 से लेके 4 के बीच में निकल कर आ रहा था लेकिन ये स्टॉक स्लोली स्टेडली रैली कर रहा था। लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसकी वैल्यूएशन जरूर सही होती आपको दिखाई दे रही है। करंटली इसकी पीई रेशियो 19.59 है और मार्केट कैप इसका 137 करोड़ का है। तो इसलिए दोस्तों हम आपको यही कहेंगे, यदि आप इस स्टॉक में कोई भी निवेश करना चाहते हो पहले इसके जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उन पे फोकस करें। यदि कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर देती है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, अभी ये कंपनी मार्च 2023 में लॉस में थी, तो यदि क्वार्टर 1 में कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है तो फिर इस स्टॉक में एक शॉर्ट रैली अच्छी रिवर्सल देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ इस स्टॉक में आपको जो है थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि दोस्तों पहले ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक था। यहाँ पे देखो ये स्टॉक 22 ईयर में भी डिविडेंड दे चुका है और ये स्टॉक पहले 23 ईयर्स में एक स्टॉक स्प्लिट भी दे चुका है। तो अपने निवेशकों को जो है वो बनाजा भी दे चुका है। लेकिन आजकल क्या है, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टॉक स्प्लिट चलो ठीक है, डिविडेंड भी ठीक है, लेकिन कंपनी वही ग्रो करेगी जिसके फंडामेंटल्स ग्रो करेंगे, जिसके सेल्स वॉल्यूम ग्रो करेंगे, जिसका प्रॉफिट ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी दिक्कतें हैं तो इसलिए हम आपको यही कहेंगे, अभी जो हमने सपोर्ट लेवल बताया है उस पर फोकस करें। 3.28 के राउंड इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता दिखाई दे रहा है। तो जैसे गिरावट हो रही है ये स्टॉक इस लेवल तक भी जाता आपको दिखाई दे सकता है। इसलिए अभी फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए इस स्टॉक के जो क्वार्टर 1 के नतीजे हैं वो ज़रूर चेक कर लें। यदि कंपनी के नतीजे सही रहे तो एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है, तो आप इस स्टॉक में डिप में खरीदारी कर सकते हो।
थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें, आगे शेयर करना मत भूलें। थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे एक नए इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ।